नमस्कार, मैं प्रज्ञा धारा 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। बिहार लोक सेवा आयोग ने 171 शिक्षक अभ्यर्थियों को 1 वर्ष और 41 को 3 वर्षों के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। इन अभ्यर्थियों ने के परिणाम पर तथ्यहीन व भ्रामक आरोप लगाए थे। आयोग की ओर से इन अभ्यर्थियों से स्पष्टीकरण मांगा गया था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। यह अभ्यर्थी आयोग की ओर से आयोजित किसी भी परीक्षा में अब शामिल नहीं हो पाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ANI के साथ एक विशेष इंटरव्यू में अपनी नई किताब व्हाइट भारत मैटर्स के बारे में जानकारी दी। साक्षात्कार के दौरान उन्होंने विदेश सचिव और विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद भारत की विदेश नीति के पिछले 10 वर्षों और चुनौतियों पर भी बात की। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि रामायण में हनुमान, अंगद और महाभारत में श्रीकृष्ण जैसे कई महान राजनयिक हैं। उन्होंने कहा, प्रत्येक राम के पास लक्ष्मण थे, जिसका अर्थ है सहयोगी, और प्राचीन भारतीय महाकाव्य में शासन परिवर्तन बढ़ती शक्ति का उदाहरण बताते हैं। BPSC TRE 2 के सफल अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि जल्द ही नए शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। इसके लिए वक्त और तारीख मुकर्रर हो गई है। पटना के गांधी मैदान में CM नीतीश कुमार 25,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 13 जनवरी को राजधानी पटना के गांधी मैदान में 25,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। 29 जिलों के शिक्षक होंगे जिन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। भारतीय सेना जल्द ही ह्यूमन पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम VSHORDS का परीक्षण करने वाली है। मिसाइल को DRDO से विकसित किया है, जो पूरी तरह से स्वदेशी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक स्वदेश निर्मित ह्यूमन पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल 6 किलोमीटर तक की दूरी के विमान, ड्रोन और लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को नष्ट कर देगी। इस मिसाइल की टेस्टिंग अप्रैल में होगी। सेना के अधिकारी की माने तो यह चौथी पीढ़ी का अत्याधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। यह भारतीय सेना के पास मौजूदा मिसाइल डिफेंस सिस्टम से कई गुना बेहतर है। बिहार पुलिस नए साल में आधुनिक हथियारों से लैस होगी। अब सूबे की पुलिस के पास भी इंसास राइफल समेत कई तरह के आधुनिक हथियार होंगे, ताकि अपराधियों से डटकर सामना किया जा सके। इसको लेकर राज्य सरकार की तरफ से राशि भी जारी कर दी गई है। दरअसल बिहार पुलिस में हुई नई बहाली और प्रोन्नति के बाद अब पुलिस पदाधिकारियों के लिए करीब 17,000 अत्याधुनिक हथियारों की खरीद की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दिनों अपने अयोध्या दौरे में जिस महिला के घर गए थे, उन्हें पत्र लिखकर कहा कि उनकी उज्ज्वला योजना का 10 करोड़ भी लाभार्थी बनना महज एक संख्या नहीं है, बल्कि यह देश के लोगों के बड़े सपनों और संकल्पों की पूर्ति से जुड़ा है। सूत्रों ने बताया कि मोदी ने अयोध्या में मीरा मांझी के आवास पर चाय पी और उनके परिवार के लिए एक चाय सेट, रंगों के साथ एक ड्राइंग बुक सहित अन्य उपहार भी भेजे। बिहार में शिक्षा विभाग के आदेश पर स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। इस नए आदेश के मुताबिक कक्षा 1 से कक्षा 8 तक 10 बजे से पूर्वाहन से 3:30 बजे अपराहन तक, तथा कक्षा 9 से कक्षा 12 हेतु 9:30 बजे पूर्वाहन से 4 बजे अपराहन तक संचालित किया जाएगा। कक्षा 3 से कक्षा 8 तक के छात्रों हेतु संचालित मिशन दक्ष एवं कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के छात्रों के लिए संचालित विशेष कक्षा भी अनिवार्य रूप से उपरोक्त अवधि में ही संपन्न करा लिया जाएगा। यह आदेश 31 जनवरी तक लागू रहेगा। ओलंपियन दीपा कर्माकर सीनियर आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक नेशनल चैंपियनशिप 2024 के दूसरे दिन बुधवार को सुर्खियों में रही, क्योंकि उन्होंने कुल 49.55 अंकों के साथ ऑलराउंड प्रदर्शन में शीर्ष स्थान हासिल किया। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में जिम्नास्टिक सेंटर में दूसरे दिन महिला वर्ग में महाराष्ट्र 169.95 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि पश्चिम बंगाल 166.80 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। मेजबान ओडिशा 164.65 अंकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन इस शनिवार को राज्य के करीब 81 युवाओं को नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र सौंपने जा रही है। दरअसल सूबे में मेडल लाइए और नौकरी पाइए अभियान शुरू की गई है। ऐसे में बिहार सरकार अपनी घोषणा को साकार करते हुए बड़े स्तर पर खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र सौंपने जा रही है। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 6 जनवरी को आयोजित कार्यक्रम में 81 खिलाड़ियों को नौकरी का नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस दौरान CM नीतीश और तेजस्वी समेत कैबिनेट के अन्य मंत्री मौजूद रहेंगे। RPF ने कांस्टेबल एवं सब इंस्पेक्टर की बंपर भर्तियां निकाली है, जिसके तहत 2,250 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें कांस्टेबल के 2,000 एवं सब इंस्पेक्टर के 250 पद शामिल है। भर्ती के लिए जारी प्रेस रिलीज के अनुसार इनमें 15% पद महिलाओं के लिए एवं 10% पद एक्स सर्विसमैन के लिए आरक्षित है। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथियां भी जल्द ही घोषित की जाएंगी। मालदीव का राष्ट्रपति बनते ही मोहम्मद मोइजू ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है और उनका चीन के प्रति झुकाव साफ दिखने लगा है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने पद संभालने से पहले कहा था कि मालदीव से भारतीय सैनिकों को हटाया जाएगा, और अब उनका कहना है कि अगर भारत द्वारा सेना नहीं हटाया जाता है तो मालदीव में लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। बता दें कि करीब 70 भारतीय सैन्यकर्मी मालदीव में है, और देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के 24 घंटे से भी कम समय के बाद मोहम्मद मोइजू ने भारत सरकार से मालदीव से भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का औपचारिक अनुरोध किया था। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने नियोक्ताओं के लिए अधिक पेंशन का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों का वेतन विवरण अपने डेटाबेस में अपलोड करने का समय सीमा 31 मई तक बढ़ा दिया है। श्रम मंत्रालय ने एक बयान में यह जानकारी देते हुए कहा कि EPFO के केंद्रीय न्यासी मंडल के चेयरमैन ने नियोक्ताओं के लिए संबंधित ब्यौरा अपलोड करने की समय सीमा बढ़ाने का फैसला किया है।
भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 बन सकते हैं। सूर्या को आईसीसी के इस अवार्ड के लिए 4 नामांकन में शामिल किया गया है। टीम इंडिया का यह मिस्टर 360 डिग्री प्लेयर साल 2022 में यह अवार्ड जीत चुका है। हालांकि सूर्या को जिम्बाब्वे के स्टार ऑलराउंडर सिकंदर रजा से कड़ी टक्कर मिल रही है। इस पुरस्कार के लिए सूर्या के अलावा सिकंदर रजा, युगांडा के अल्पेश रमजानी और न्यूजीलैंड के मार्क चैपमैन को नामांकन किया गया है। नए साल में सरकार ने कुछ दवाओं के दाम घटाने का फैसला किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की पहल पर अब लोगों को जल्द ही 19 नई दवाएं सस्ती मिलेंगी। आपको बताते चले कि जिन दवाओं का दाम कम किया गया है उसमें इन्फेक्शन, दर्द, बुखार, गले में संक्रमण, कीड़े मारने की दवाओं आदि के दाम पर नियंत्रण का आदेश जारी हुआ है। भारत का म्यूचुअल फंड बाजार तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसमें निवेश पिछले 7 सालों में 3,660 करोड़ से बढ़कर 19,932 करोड़ के पार पहुंच गया है। 2020-21 में 96,080 करोड़ रुपए और 2022-23 में 1.56 लाख करोड़ रुपए का निवेश आया था, जबकि 2023-24 के आधे साल में 90,300 करोड़ रुपए का सीधा निवेश हुआ है। अब भारतीय बाजार में जल्द ही जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैक रॉक की संयुक्त उद्यम कंपनी म्यूचुअल फंड लेकर आने वाली है। देश की राजधानी नई दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश समेत उत्तर भारत में इन दिनों ठंड के साथ घना कोहरा भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश में इसी सप्ताह बारिश के आसार भी है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक अरब सागर के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके अलावा पूर्वोत्तर बिहार के ऊपर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। रिजर्व बैंक के द्वारा पिछले साल फरवरी में रेपो रेट में बदलाव किया गया था। उसके बाद से शीर्ष बैंक ने दरों को सामान्य रखा है, मगर बढ़ती महंगाई में लोगों के लिए अपना घर सपना हो गया है। यही कारण है कि पिछले साल देश के 8 बड़े शहरों में 50 लाख तक के घरों की बिक्री में करीब 16% तक घटकर 98,000 इकाई रह गई है। इस बात की जानकारी नाइट फ्रैंक इंडिया के रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट में बताया गया कि एक तरफ 50 लाख तक के घरों का बिक्री कम हुई है। हीरो मोटोकॉर्प हार्ले डेविडसन X440 से इंस्पायर्ड एक नई बाइक के साथ रॉयल एनफील्ड को टक्कर देने की तैयारी कर रही है। हालांकि अपकमिंग हीरो बाइक के आधिकारिक नाम और डिटेल्स की जानकारी नहीं है। कंपनी ने पहले से ही हुरिकन 440 और हीरो नाइट स्टार 440 जैसे नामों के लिए ट्रेडमार्क करवाया है। इनमें हार्ले डेविडसन X440 बेस्ट मोटरसाइकिल जनवरी 2024 के अंत में हीरो वर्ल्ड इवेंट से अपनी शुरुआत करेगी। प्रभास स्टारर सालार पार्ट एक सीज फायर साल 2023 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बन चुकी है। इस रिली फिल्म ने रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा दिया था। फिल्म की कमाई की बात करें तो 90.7 करोड़ से ओपनिंग करने वाले इस फिल्म ने पहले हफ्ते में 308 करोड़ का कलेक्शन किया। वहीं दूसरे हफ्ते में भी सालार की कमाई शानदार रही। इसने रिलीज के 8वें दिन 9.62 करोड़, 9वें दिन 12.55 करोड़, 10वें दिन 15.1 करोड़, 11वें दिन 16.6 करोड़ और 12वें दिन 6.45 करोड़ का कलेक्शन किया। पिछले वित्त के दौरान चुनावी ट्रस्टों से प्राप्त कुल चंदे का लगभग 70% भाजपा को मिला। चुनाव सुधारों के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने यह जानकारी दी है। एडीआर के मुताबिक वर्ष 2022-23 के लिए चुनावी ट्रस्टों के योगदान के विश्लेषण में पाया गया कि कुल चंदे का 25% भारत राष्ट्र समिति को प्राप्त हुआ है। इस दौरान 39 कॉरपोरेट और व्यावसायिक घरानों ने चुनावी ट्रस्टों को 363 करोड़ रुपये से अधिक का योगदान दिया। सत्र 2023-24 में गेहूं का उत्पादन रिकॉर्ड 11.4 करोड़ टन होने की उम्मीद है। 2022-23 में 11.05 करोड़ टन उत्पादन हुआ था। भारतीय खाद्य निगम के चेयरमैन अशोक के मीणा ने कहा कि फसल बेहतर रहने और तापमान के अच्छे होने से गेहूं उत्पादन में तेजी आएगी। गेहूं की रबी सीजन की अंतिम बुआई अभी चल रही है जो अगले हफ्ते तक जारी रहेगी। अब तक 3.25 करोड़ हेक्टेयर में गेहूं की बुआई हुई है। देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम को बड़ा झटका लगा है। अभी 2 दिन पहले ही कंपनी ने जानकारी दी थी कि उसे महाराष्ट्र से 806 करोड़ रुपए का जीएसटी नोटिस मिला है। अब सरकारी कंपनी को 667 करोड़ रुपए से भी ज्यादा जीएसटी चुकाने के नोटिस मिले हैं। LIC ने बताया कि उसे यह नोटिस तमिलनाडु, उत्तराखंड और गुजरात से मिले हैं। कंपनी जल्द से जल्द इन तीनों राज्यों के नोटिस के खिलाफ अपील करेगी। कच्चे तेल की कीमतों में 3% से अधिक की उछाल है। इस उछाल के बीच भारत में लगातार पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर है। आज पेट्रोल डीजल की कीमतों में 598 दिन कोई बदलाव नहीं हुआ है। BPCL, IOC, भारत पेट्रोलियम जैसे सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा जारी रेट के मुताबिक आज भी दिल्ली में पेट्रोल 96.72 रुपए लीटर और डीजल 89.62 रुपए पर स्थिर है। जयपुर में पेट्रोल 108.48 रुपए लीटर है तो डीजल की कीमत 93.72 रुपए। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है। जिन्हें कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण मिला है वे जाने की जोर शोर से तैयारियां कर रहे हैं। वहीं शंकराचार्य स्वामी निश्चलाचंद सरस्वती ने पीएम मोदी को लेकर एक विवादित बयान दिया है। उनका कहना है कि वह कार्यक्रम में शामिल नहीं होने जाएंगे। शंकराचार्य ने मध्य प्रदेश के रतलाम में बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, मूर्ति को स्पर्श करेंगे तो मैं ताली बजाकर वहां जय जय करूंगा क्या। राष्ट्रीय कैडेट कोर के 2024 के गणतंत्र दिवस शिविर में कुल 2,274 कैडेट हिस्सा लेंगे, जिसमें इस वर्ष लड़कियां भागीदारी ज्यादा रहेंगी। NCC के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरपीर पाल सिंह ने बुधवार को यह जानकारी दी। सिंह ने कहा कि शिविर में शामिल कैडेटों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 122 के साथ साथ पूर्वोत्तर के 177 कैडेट भी शामिल है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर की 45 छात्रा कैडेटों को बैंड पहली बार राष्ट्रीय कैडेट कोर के गणतंत्र दिवस शिविर में भाग ले रहा है।
भारतीय नौसेना ने बुधवार को कहा कि उसके जहाज व विमान निगरानी बढ़ाने और समुद्री सुरक्षा अभियान को जारी रखेंगे। गत एक सप्ताह में क्षेत्र में तैनात नौसेना के कार्य समूहों ने बड़ी संख्या में मछली पकड़ने वाले जहाजों व अन्य पोतों की जांच की है। नौसेना ने पिछले महीने पोरबंदर तट से 220 समुद्री मील पर एमवी केम प्लूटो को ड्रोन से निशाना बनाए जाने सहित कई व्यापारिक जहाजों पर हमलों की घटनाओं को देखते हुए समुद्री निगरानी बढ़ा दी गई है। कीमतों में उछाल के बावजूद लग्जरी आवास की मजबूत मांग के दाम पर 2023 में मकानों की बिक्री 10 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल देश के 8 प्रमुख शहरों में कुल 3,29,097 मकान बिके थे। यह आंकड़ा 2022 में बिके 3,12,066 मकानों की तुलना में 5% अधिक है। 1 करोड़ रुपए से अधिक कीमत वाले मकानों की कुल बिक्री में हिस्सेदारी 2023 में बढ़कर 34% पहुंच गई है। 2022 में 27% रही थी। बैंक में कोई भी जमा राशि 10 साल से अधिक लावारिस पड़ी है तो वह भारतीय रिजर्व बैंक को ट्रांसफर हो जाएगी। जमा राशि रिजर्व बैंक में ट्रांसफर होने के बाद भी जमा करने वाला या जमाकर्ता के परिवार का सदस्य अधिकृत दस्तावेज के साथ दावा कर सकेगा। भारतीय रिजर्व बैंक में ट्रांसफर होने के बाद राशि निकासी के दावेदारों को RBI में भी दावा करना होगा। देश के लाखों खातों में 10 साल से अधिक समय से लावारिस पड़ी राशि पर नई व्यवस्था आगामी वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से लागू होने जा रही है। NCP शरद पवार गुट के विधायक और पूर्व मंत्री जितेंद्र अवार्ड ने विवादित बयान दिया है जिसमें उन्होंने भगवान राम को मांसाहारी बता दिया। उनके इस बयान को लेकर विरोध तेज हो गया है। BJP और हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया है। दरअसल जितेंद्र अवार्ड ने कहा कि राम हमारे हैं, बहुजन के हैं, राम शिकार करके खाते थे। आप क्या चाहते हैं कि हम शाकाहारी बन जाएं? पर हम राम को अपना आदर्श मानते हैं और मटन खाते हैं, यह राम का आदर्श है। उन्होंने कहा कि 14 साल तक जंगल में रहने वाला व्यक्ति शाकाहारी भोजन की तलाश में कहां जाएगा, ये सही है या गलत, मैं हमेशा सही कहता हूं। साल 2024 की शुरुआत अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के लिए धमाकेदार रही। पिछले 3 दिन की कमाई में अडानी ने दुनिया के सभी अमीरों को पीछे छोड़ दिया है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक इस साल अब तक अडानी की संपत्ति 5.64 अरब डॉलर बढ़ी है। इसमें से 4.01 अरब डॉलर तो बुधवार को ही बढ़ गई जब सुप्रीम कोर्ट ने अडानी हिंडनबर्ग केस में फैसला सुनाया। अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी उछाल से अडानी की संपत्ति एक ही दिन में 4.01 अरब डॉलर बढ़ गई। हमारे द्वारा पूछ का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछ का सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है पंकज कुमार, अनुपम कुमारी, चंद्र ठाकुर, नौशद राजा, दीपक कुमार, रविशंकर, मोहम्मद सकीर हुसैन, अनु गोलू कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार में आपका पसंदीदा पर्यटन स्थल कौन सा है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।